आर्य समाज की स्थापना 1875 में की जाती है और आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बंबई में माणिक चंद्र की वाटिका में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई, जो आर्य समाज का मुख्यालय पहले बंबई में बनाया जाता है, लेकिन 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरीके से देखते हैं कि जो आर्य शब्द है, आर्य का अर्थ है कुलीन या उत्तम या आपका श्रेष्ठ। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था और दयानंद सरस्वती के जो प्रथम गुरु थे वो डंडी स्वामी पूर्णानंद थे। डंडी स्वामी पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती को सन्यास की शिक्षा दी थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि सन्यास की शिक्षा किसने दी थी, तो स्वामी पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती को सन्यास की शिक्षा दी थी। और इन्हीं ने ही जो डंडी स्वामी पूर्णानंद है, मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा था। दयानंद सरस्वती ने 1874 में संस्कृत भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आर्य समाज का बाइबल किसे कहा जाता है, आपके सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने है वेदों के और लोटो और भारत भारतीयों के लिए है जैसे नारे दिए। ये क्वेश्चन भी आता है कि वेदों के और लोटो और भारत भारतीयों के लिए है, ये नारे किसने दिए थे, तो ये दयानंद सरस्वती ने दिए थे। क्योंकि इस समय आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं, जहाँ ब्रह्म समाज आपकी वेस्टर्न एजुकेशन पर बल देता है, वहीं जो दयानंद सरस्वती हैं वो ये कहते हैं कि हर चीज़ का जो समाधान है वो आपके वेदों में है, इसलिए वेदों के ज्ञान को बढ़ावा देने की ये बात करते हैं और ये कहते हैं कि वेदों के लोटों का नारा भी लगाते हैं। कि ये कहते हैं कि समाज की हर समस्या का, हर चीज़ का जो निवारण है वो वेदों में है। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन भी चलाते हैं। जब 1857 की क्रांति होती है तो उससे पहले 1856 में एक कानून बनाया जाता है, जिसके आधार पर आर्मी में और पैतृक संपत्ति में उन्हीं को अधिकार होगा जो ईसाई धर्म को अपनाएंगे। तो इसलिए कुछ लोग ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। तो जब 1857 की क्रांति के समय जिन लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया था वो द्वारा हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का उपयोग किया है। ये क्वेश्चन आता है कि स्वराज्य शब्द किसने दिया है, तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द दिया है। 1906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज्य शब्द का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के मंच से स्वराज्य शब्द का उपयोग किसने किया गया है, तो दादा भाई नौरोजी ने किया गया है। अब यहाँ 6 से लेकर आपके 1928 तक स्वराज्य की बात चलेगी और 1929 से लाहौर अधिवेशन से पूर्ण स्वराज्य की बात चलेगी, जो कि पूरे का पूरा जो मूवमेंट है वो स्वराज्य पर ही बल देता रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्वराज्य शब्द है वो सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया है। दयानंद सरस्वती ने जो पुराण है जैसे धार्मिक ग्रंथों की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये मानते हैं कि जो पुराण है पुराणों ने ही मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है, इसलिए ये जो पुराण है उनको प्रमाणित नहीं मानते हैं और ये कहते हैं कि जो वेद है वेद ही सही हैं, वेदों की शिक्षा पर बल देते हैं। क्योंकि जो आर्य समाज है वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता है और मूर्ति पूजा की अवहेलना करता है, क्योंकि जो पुराण है पुराणों ने ही मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है, इसलिए ये जो पुराणों जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। आर्य समाज, मैंने भी आपको बताया कि मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि कहता है कि मूर्ति पूजा से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, इसलिए मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करता है। दयानंद सरस्वती ने पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध किया है और उसके स्थान पर किसी शिक्षा पर बल दिया है, वेदों की शिक्षा पर बल दिया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि दयानंद सरस्वती के शिष्य कौन थे, वो आपके लाला लाजपत राय थे।
दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने वेदों का हिंदी में अनुवाद किया। ये क्वेश्चन भी आता है कि वेदों का हिंदी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया, तो वो आपके दयानंद सरस्वती ने किया। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया है, और स्वराज्य शब्द का सबसे पहले उपयोग भी किसने किया है, वो आपके दयानंद सरस्वती ने किया है। देखो दो बात देखना, मैंने यहाँ पे दो शब्द यूज करे हैं, एक है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल और स्वराज्य शब्द। अब जब हमारी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी और स्थापना होने के बाद जब 1905 में बंगाल विभाजन होगा, तो बंगाल विभाजन में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया है कि 1906 से दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज्य की बात करेंगे और पूरे का पूरा जो आपका नेशनल मूवमेंट है वो स्वराज्य और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल देता रहेगा। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है वो नेशनल मूवमेंट जो है उनके जन्मदाता माने जा सकते हैं। हिंदी को दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रभाषा माना है और ये भी कहा है कि जो दास्ता है वो दास्ता को दयानंद सरस्वती ने भारत का मूल रोग बताया है। ये कहते हैं कि जो राष्ट्रभाषा है वो आपकी हिंदी है और जो दास्ता है यानी कि जो दास प्रथा है वो समाज में भारतीय समाज का क्या है, मूल रोग है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने स्वामी दयानंद सरस्वती के पीछे गुप्तचर छोड़ दिए थे। ये क्वेश्चन भी आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के पीछे गुप्तचर किसने छोड़े थे, तो वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने छोड़े थे। जोधपुर में कुछ विरोधियों ने दयानंद सरस्वती को कांच पीसकर पिला दिया था, जिससे 30 अक्टूबर 1883 में दिवाली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो आपके सुकरात थे, सुकरात भी बहुत सच बोलते थे, इसलिए उनकी मृत्यु भी कांच पीसकर पिलाए जाने के कारण होती है और दयानंद सरस्वती की मृत्यु भी कांच पीसकर पिलाए जाने के कारण होती है। गुरुकुल कांडली की स्थापना, गुरुकुल कांडली की स्थापना 1902 में हुई है और ये कांडली एक स्थान है उत्तराखंड में, वहाँ पर होती है और स्वामी श्रद्धानंद लेखपाल मुंशीराम के नेतृत्व में 1902 में गुरुकुल कांडली की स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद स्वामी करते हैं और जिसका नेशनल मूवमेंट में भी बहुत बड़ा रोल होता है।